यार ये शॉर्ट में काट दूंगा, मैं बता रहा हूँ। ये जो आपने उठाया है ना शॉर्ट के लिए दरी। हेलो जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आज शफीक भाई ग्लव्स पहने हुए हैं, हीट प्रूफ ग्लव्स। माशाल्लाह, तार करके जाना सादा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलें जाएंगे। चिकन बिरयानी निकल रही है माशाल्लाह, गरमा गरम खा के जाएंगे। अच्छा भाई, आप तो लाए नहीं ग्लव्स भैया। हम जाके ये खुद जाके ले आए हैं। अरे शफीक भाई बोल रहे हैं, मुसल से टोपी पहना रहे थे, नहीं लेके आए। और ये देख रहे हैं हम, ये मैं और बाबा अभी जाके लेके आए। ये लोग माशाल्लाह भाई, नहीं लगेगी, उसने गारंटी दी है हीट नहीं लगेगी। भाई ये आठवीं अफतारी का ट्रक माशाल्लाह से पहुंच चुका है। वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई, सब लाए हो ना सामान? चलें जी चलें। यार ये शॉर्ट में काट दूंगा, मैं बता रहा हूँ। ये जो आपने उठाया है ना शॉर्ट के लिए दरी। ये जी शरबत का सामान है सारा, ये दोनों टंकियाँ। यहाँ पानी लगना स्टार्ट हो गया है बर्फ में। मिलाने का देसी तरीका। हाँ तो दोस्तों, कैसा है रोजा आज का? और जी आज भी बिरयानी टाइम से पहले आ गई है माशाल्लाह से। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हेलो जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आज शफीक भाई ग्लव्स पहने हुए हैं, हीट प्रूफ ग्लव्स। माशाल्लाह, इस वक्त मैं आपको बता नहीं सकता, जब बेग से बिरयानी निकल रही होती है और खुशबूएं, तो मेन बंदा जो है हमारा शफीक, वो तो हाल बेहाल हो जाता है, बता नहीं सकता, इसलिए खामोश रहता है ज्यादातर साइलेंट मोड पे। ये देखें गरम गरम बिरयानी लगी इनको भाई। माशाल्लाह, ये तमाम लोग अभी जा रहे हैं, ये जूसेस जो है ना, बच्चा वार्ड जो किड्स वार्ड होता है उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। ये अंदर फ्लोर पे हॉस्पिटल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह आठवां रोज़ है और इंतज़ाम पूरे हैं, और आज का दिन भी मैं आपको बताता चलूँ। आज का दिन पूरा कवर्ड है, मतलब स्पॉन्सर्ड है। वो मैं हसन से पूछ लेता हूँ। हसन, आज का जो है जो जुमेरात का इफ्तार है वो किसकी तरफ से? जुमेरात का इफ्तार जो है, और अगले भी अगर आप देखें, जुमेरात जुम्मा भी हमारा जो है ना वो स्पॉन्सर्ड है, हफ्ता भी स्पॉन्सर्ड है, और इतवार अभी अभी कोई एक घंटे पहले जो है ना वो भी रिजर्व हुआ है। शहीर अली सनफ तारिक सैयद, तो शहीर अली सनफ तारिक सैयद इनकी तरफ से जो है ना ये आज का इफ्तार का इंतज़ाम है, और तमाम लोग जो है ना इनको दुआ में याद रखिए। वैसे इन्होंने नहीं बोला, बट ऑब्वियसली वो हम अपने एक रिकॉल के लिए भी और एक ट्रांसपेरेंसी के लिए भी जो है ना ये चीज़ हम बता देते हैं, वरना ज़्यादातर लोग मना करते हैं नाम लेने से, बट फिर भी आप तमाम लोग जो है ना इनको दुआ में याद रखिए। भाई माशाल्लाह, आज चिकन बिरयानी है, अब ये सर्व हो गई है थाल में, अब ये बस हम एक मिनट में जो है डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो एक पतीला, इसमें तकरीबन तीन देगें आ जाती हैं, इतना बड़ा है ये, चूंकि वाइड एंगल है तो बड़ा छोटा लग रहा होता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे दिन जो है ना आप स्पॉन्सर्ड करें, ऑब्वियसली ये खर्चे वाली एक चीज़ होती है, तो सब मिल बांट के ही ड्राइव करते हैं तो फिर अच्छा लगता है। तो अक्सर लोग होते हैं जो कहते हैं यार हमारी तरफ से एक देगो या हमारी तरफ से दो देगो, तो वो लोग भी आ सकते हैं कोई एक दिन में, वो तमाम देगें एडजस्ट आप करके जो ना पूरा दिन आप निकालते हो। और इसी तरह हमने किया है, जिस दिन हमारे पास कोई फुल डे के लिए नहीं होता, तो उस दिन जो दीगर जो लोग होते हैं जो एक एक या दो दो देगों के स्पॉन्सर होते हैं, उनको हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो इसी तरह ये ड्राइव चलती है, तो आप लोगों को भी जो है ना टेंशन लेने की बात नहीं। बाकी ये अगर कोई सपोर्ट करना चाहता है तो GoFundMe का हमने लिंक दिया हुआ यहाँ, और तमाम जो GoFundMe में जो डोनर्स हैं वो तमाम डोनर्स का शुक्रिया, उससे हमारी ये काफ़ी ड्राइव अभी स्मूथ चल रही है। इसके अलावा आप लोग राशन ड्राइव में भी आप लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसका हम ब्लॉग नहीं बना रहे क्योंकि सफ़ेद पोश लोगों के लिए, तो वो ज़रा आप समझ सकते हैं। बाकी यही है कि आप अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप फेसबुक पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनबॉक्स में, या आप इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हु इज़ मुबीन, तो मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूँगा।
तो भाई आज जो है हमारे पास यहाँ पे इफ्तार ड्राइव में आई हुई है मिस सनोवर। तो आज आपको कैसे पता लगा यहाँ का? बस तो आपको पता है सोशल मीडिया, और मैं तो हर वक्त सोशल मीडिया पे रहती हूँ, टिकटॉक पे रहती हूँ, स्नैप पर रहती हूँ, यूट्यूब पर रहती हूँ, तो मैं तो मेरा काम ही यही है भाई। बस देखना पहुँच जाना ठीक ठाक करके, बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई आप लोग, यूट्यूबर भी हैं और मतलब यूट्यूब के साथ साथ सवाब भी कमा रहे हैं, अपना काम को छोड़ के यहाँ पे नेकियां कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये बताएं आप लोग को लोग काम करने दे रहे हैं? ये तो हमारी कराची की आवाम है, जितना भी फ्री में खिला दो उनका पेट ही नहीं भरता, वो कहती है हमें जल्दी से मिल जाए, दूसरों को मिले ना मिले। जितना कोशिश हो रही है तमीज से और तरीके से कर ले वो अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। अल्लाह पाक आप लोग को इसका अजर दे और इसी तरह ये कारोबार चलता ही रहे, आमीन आमीन। मैं आती रहूं इंशाल्लाह, स्टार करके जाना सादा। हां हां क्यों नहीं, चले जाएंगे, चिकन बिरयानी निकल रही है माशाल्लाह, गरमा गरम आगे जाएंगे। भाई आठवें दिन का आठवें रोज़े का इफ्तार हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुकून से हुआ। आपने देखा होगा आज भी आवाम थी, अभी भी आवाम बैठी हुई है और रिफिल चल रहा है। लोग अक्सर कहते हैं कि यार आप लोग रिफिल देते कि नहीं, मगर रिफिल चल रहा होता बिरयानी का। खैर आज का जो इफ्तार स्पॉन्सर्ड था वो तो शहीर अली और उनके वालिद साहब तारिक सैयद साहब की तरफ से, थैंक यू सो मच। और तमाम लोगों को कहूँगा जो ये ब्लॉग देखते हैं उनके लिए दुआ भी करें। बाकी अगर आप लोग कोई कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मैंने बताया गोफंडमी का लिंक मौजूद है, या तो आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं फेसबुक पर, या आप इंस्टाग्राम पर भी इनबॉक्स कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग भी कोई दिन अपना, आप पूरा दिन भी स्पॉन्सर कर सकते हैं या पार्सल कर सकते हैं, कुछ भी जैसा आपको सही लगे, या तो आप एन एक्स यूडी में आके भी कुछ डोनेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ पैकेज भी है ना तो वो भी हमारे जो है ना वॉलंटियर इसको डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे, राधर देन कि आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बड़ा क्रॉस हो जाता है कि आप इस फैन वॉलंटियर्स की, तो वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अच्छा होगा। चले जी मुझे जाओ, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नवे रोज़े में।